तो वेलकम गाइस, आज हम खेल रहे सर्वाइवल रॉनी के सर्वर पे। अभी स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मैं एक बार मरने के बाद दो तीन बंदों को रिक्वेस्ट सेंड की थी और लकीली जिस बंदे ने एक्सेप्ट किए वो इस विलेज के पास ही था। तो इस तरह मैं यहाँ पे विलेज में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने पोटैटो फार्म बना के रखा है। इस फार्म में दिक्कत जो है कि यहाँ का विलेजर मर चुका है, तो यहाँ पर विलेजर लाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर कुछ विलेजर है, दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। तो यहाँ पे मैंने विलेजर को केयर करके नहीं प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आराम से सो रहे हैं। मैं उनसे काम नहीं करवाता, उन्हें सोने देता हूँ, मैं खुद काम करता हूँ। मैं अच्छा इंसान हूँ इसलिए तो यहाँ सोने देते हैं उन्हें। और यहाँ पे कुछ शुगर केन रुका के रखा है, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है क्योंकि अभी अभी खेलना स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे कुछ खाना खिला देते हैं इनको, काउस को। तो ये लो, तुम खाना खा लो, आराम से खाना खा लो। ये लो तू भी खा ले। और ये बेचारे सिर्फ अकेली रुक जा, तेरे लिए दोस्त लेकर आता हूँ मैं बाद में। ओ क्रीपर भाई साहब आ गए हमारे, आ जाओ क्रीपर भाई साहब, ऊपर आ जाओ आराम से। वैसे भी डिस्ट्रक्शन ऑफ करके रखा है या फिर लैग है, क्योंकि क्रीपर ब्लास्ट का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। और तुम भी आ जाओ, हाँ बात ही मत करने दो मेरे को, आ जाओ तुम भी। तो यहाँ पे मैंने फार्म बना के रखा है छोटा सा। यहाँ पे मैंने ये एरिया क्लेम नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे लिख भी रखा है फ्री यूज फार्म प्लांट्स हियर आफ्टर यूज। तो क्योंकि जो दो तीन बंदे यहाँ पे विलेज में ही रहते हैं, वह उन्हें अब उन्होंने कुछ बनाया नहीं है अभी तक, तो उन्हें फूड की ज़रूरत लगेंगी तो वो वहाँ से उठा लेंगे। उनके लिए मैंने वहाँ पे लैंड क्लेम नहीं किया है। तो इतना ही चीज़ से, और मुझे अब स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाना है कुछ बुक्स कलेक्ट करने। तो बुक्स कलेक्ट करने मैं जाता हूँ और मैं आपको वहीं मिलूँगा, वहीं जाके अब रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ मैं, चलो। तो यहाँ पे बहुत ढूंढने के बाद मैं लाइब्रेरी में पहुँच चुका हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की। और यहाँ से जल्दी से हम चेस्ट ढूंढते, चेस्ट चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे तो पेपर है, ऊपर वाली चेस्ट भी देख कर आते हैं पहले। अच्छी बुक मिल जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, मेंडिंग मिल जाएंगे तो। कहाँ पे है चेस्ट? ओ यहाँ पे, कौन सी बुक है? स्वीपिंग एज, लक ऑफ द सी, पियर्सिंग एंड प्रोटेक्शन। हाँ प्रोटेक्शन अच्छी है तो चलेगा चलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, चलेगा अब फ्री में मिल रहा है तो। तो यहाँ से बुक कलेक्ट करना शुरू करते हैं, सारे बुक्स हमें कलेक्ट करनी है। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे बुक्स कलेक्ट करता हूँ और आपको बाद में मिलता हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म ही हो गया है, ये लास्ट वाला सेल्फ है जो हम कलेक्ट कर लेते हैं। और पूरी लाइब्रेरी हमने खाली कर दी है, यहाँ से जल्दी से इसे उठा लेते हैं, उठा ले। ओ तो यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी खाली हो गई है, 8-9 स्टैक हमारे पास बुक्स आ चुकी है। तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो ही गया है। तो यहाँ से क्या करते हैं, निकलते हैं, अब कुछ चाहिए नहीं क्योंकि एंड में तो हम डायरेक्ट टीपी होके जा सकते हैं, किसी ने तो बना के रखा है वहाँ पर। तो चलते हैं अपने घर पर। तो यहाँ पे मैं घर पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ, यहाँ पे सारी बुक मैंने रख दी है। और यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो, क्योंकि बाकी का काम हम बाद में करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।